क्रिसेंट पब्लिक स्कूल बाबा फरीदनगर कोहका भिलाई में मुस्लिम कौम के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के उत्कृष्ट छात्र जिन्होंने इस साल 2022 परीक्षा में 70% से ज्यादा अंक हासिल किया और कौम और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, उनका सम्मान भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा क्रिसेंट पब्लिक स्कूल बाबा फरीदनगर कोहका में किया गया। क्रिसेंट पब्लिक स्कूल बाबा फरीदनगर कोहका भिलाई में मुस्लिम कौम के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के उत्कृष्ट छात्र जिन्होंने इस साल 2022 परीक्षा में 70% से ज्यादा अंक हासिल किया है और कौम और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, उन बच्चों का सम्मान सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा किया गया। गौरतलब है कि भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा क्रिसेंट पब्लिक स्कूल बाबा फरीदनगर कोहका में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसे पूर्व मंत्री बीडी कुरैशी, राज्य सचिव कांग्रेस कमेटी इरफान खान साहब, अयूब खान, युवा नेता रज्जन अकील खान, राज्य सचिव कांग्रेस कमेटी ख्वाजा अहमद, डॉक्टर लाल मोहम्मद, डॉक्टर हमदानी, अतिरिक्त जज रिजवान खान सहित एडवोकेट शकील अहमद सिद्दीकी, एडवोकेट शाहना कुरैशी, एडवोकेट जमील अहमद, मौलाना गुलाम इम्तियाज भाई, हाजी आशी खान साहब, जनाब हाशिम खान, भिलाई सोशल वेलफेयर समाज के संरक्षक मास्टर नसीरुद्दीन खान सहित बड़ी संख्या में कौम के लोग यहाँ पर शामिल रहे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले कौम के बच्चों को यहाँ पर सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई। मेरे मोहतरम हजरात, आज मैं आपके सामने स्पीच देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। अभी नेता साहब की तकरीर आप समाप्त फरमा रहे थे। भिलाई वेलफेयर सोसाइटी का मकसद सिर्फ दो है और उसके इन एडिशन ऑफ दैट वी आर डूइंग मेनी अदर जॉब ऑल्सो, बट द मेजर फैक्टर एंड अवर टारगेट एंड एम ऑफ भिलाई वेलफेयर सोसाइटी इज ओनली टू थिंग्स वी वांट टू डू। द फर्स्ट इज एजुकेशन एंड द सेकंड इज द हेल्थ। एजुकेशन एंड हेल्थ पे हमारा फोकस है। मैं आप सबके सामने ये बात बड़ी फख्र से कहना चाहता हूँ। क्रिसेंट पब्लिक स्कूल बाबा फरीदनगर कोहका भिलाई में भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मकसद था कि जो बच्चे इस साल 10वीं और 12वीं में 70% से अधिक मार्क्स लेके अपने कौम का और माँ बाप का नाम रोशन किए, उनका हौसला अफजाई किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए और उनको मोटिवेट किया जाए कि उनको आगे बन के आगे क्या करना है, आगे क्या बनना है और वो कामयाब होकर प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर सकें, जिसके लिए भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी जो कि अपने कारनामों के लिए प्रसिद्ध है कि कोरोना काल में उन्होंने जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको ऑक्सीजन मुहैया कराया, राशन किट बांटा और अभी लोगों को समाज सेवा के इसमें राष्ट्रीय हित में काम कर रहे हैं, तो लोगों को बुलाकर सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ में सम्मानित किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से एक्स मिनिस्टर कांग्रेस कमेटी के बदरुद्दीन कुरैशी जी आए थे और इरफान खान साहब प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी और मजिस्ट्रेट हमारे एडीजे हैं मोहम्मद रिजवान खान साहब भी आए थे और सहाना कुरैशी जो कि मिनीमता अवार्ड से सम्मानित हैं, एडवोकेट हैं, काउंसलर हैं और वो भी तशरीफ़ फरमा थे और डॉक्टर हमदानी, डॉक्टर लाल मोहम्मद, डॉक्टर साहिन हमदानी और शकील सिद्दीकी वकील साहब और बहुत सारे वकील साहब आए थे साथ में। सभी ने डॉक्टर्स वकील और मन्नान भाई जो कि MIC मेंबर हैं नगर निगम के वो भी आए थे और उप सभापति सलमान खान वो भी आए थे, तो सभी ने बच्चों को मोटिवेट किया और सम्मान दिया, हौसला अफजाई की और उनके माँ बाप को भी सम्मानित किया गया और हमारी सोसाइटी के द्वारा, भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो हमारे अतिथिगण थे उनका भी स्वागत किया गया और उनको भी सम्मान दिया गया ताकि इनके हौसले अफजाई होते रहें और लोगों को भी ऐसा उत्साह मिले और ऐसा काम करने का प्रेरणा मिले ताकि लोगों के हौसले अफजाई हो, ताकि भविष्य में उनको काम करके और पढ़ाई करके अपने अपने काम का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी अन्य कामों के साथ साथ पढ़ाई के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है। पढ़ाई के लिए CBSE स्कूल का प्लानिंग है और अभी कई बच्चों के स्कूल की फीस वगैरह भी हमारी सोसाइटी के द्वारा भरी जा रही है और अभी भी हम
प्रयासरत हैं कि जो बच्चे शिक्षा में जो फीस में या कॉपी किताब वगैरह में या ट्यूशन कोचिंग वगैरह में ज़रूरत है तो उनकी मदद कर रहे हैं और हमें हमारे बहुत सारे लोग हमसे जुड़े और हम आगे भी लोगों से निवेदन करते हैं कि लोग हमसे जुड़ें ताकि हम इस क्षेत्र में अच्छा से अच्छा काम करके लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें और हम बहुत से लोगों को विश्वास भी दिलाए हैं कि जिसको जो ज़रूरत होगी हम लोग पूरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आज बहुत ही खुशी के साथ मुझे इस समाज को बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने समाज में जो बच्चे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए 2022 में 10वीं और 12वीं की क्लास में जिन्होंने 70% से ऊपर मार्क्स ला करके खुद को और समाज को सम्मानित किया है, इस क्षण को भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने तमाम लोगों के सामने रखने का एक इरादा किया और उसी इरादे के तहत हमने ये प्रोग्राम को अंजाम दिया और ये प्रोग्राम हमारा बहुत हद तक सफल रहा और लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा को भरने में हम कामयाब रहे। मैं भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये आवाम तक पूरे बच्चों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम अपनी ज़िंदगी में तभी कामयाब हो सकते हैं जब एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोहा अपना मनवा सकें। उसके लिए हमें जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकेगा जिसके जरिए हम अपना और समाज का और देश का नाम रोशन कर सकेंगे। इसके साथ साथ हमारी सोसाइटी एजुकेशन और हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रही है जिसके लिए हर भरसक सहायता जितना हो सकता है हम कर रहे हैं। वो बच्चे जो अपना फीस देने में असमर्थ हैं उन बच्चों का हमने लास्ट ईयर भी समर्थन किया और उनकी फीस का भी इंतजाम किया। इस साल भी हमसे अगर जो हो सकेगा और जो शिकायतें हम तक आएंगी उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी सोसाइटी इनकी जिस हद तक मदद कर सके वो करेगी। और भविष्य में हमारा इरादा CBSE स्कूल खोलने का है जिसके लिए मैं तमाम लोगों से आह्वान करता हूँ कि सोसाइटी का भरपूर सहयोग करें और इस फील्ड में हमको कामयाबी हासिल करने में हमारा साथ दें ताकि हम अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल को संवार सकें और शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकें। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि समाज का हर वो तबका जो पीछे है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के फील्ड में पिछड़ा हुआ है जिस वजह से वो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकता। बिना शिक्षा के हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते, तो शिक्षा को जब तक ले हम सर्वोपरि ना बना लें हमारा उद्देश्य हासिल नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं तमाम लोगों से जितने आए हुए जो पालक थे उनसे और जो हमारी बातों को सुन रहे हैं उनसे ये आह्वान करता हूँ कि चाहे आप किस भी स्थिति में अपना वक्त गुजार रहे हों लेकिन शिक्षा के मामले में अपने बच्चों को जरूर से जरूर एजुकेशन अच्छे से अच्छा दें। चाहे उसके लिए आपको जितना भी स्ट्रगल करना पड़े आप कीजिए, आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि आपका ये स्ट्रगल उन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही सुनहरा होगा। इसके साथ साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और मैं लोगों से आह्वान करता हूं कि आप सब हमारा समर्थन करें और इस फील्ड में हम आपके साथ साथ खड़े हैं। चाहे जो भी समय हो आप हमारे साथ आइए और साथ हमारे मिलकर चलिए। जय हिंद। भिलाई वेलफेयर सोशल सोसाइटी जो भिलाई का एक बहुत फेमस संस्था है जो भिलाई के वेलफेयर और सोशल वर्क में अपनी योगदान बेमिसाल दे रही है, उसके थ्रू 10th और 12th के बच्चों को जो 70% एवं मार्क्स लाए थे उन्हें अवार्ड से और उनको मोटिवेट करने के लिए क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल में एक प्रोग्राम रखी गई और जिसमें शहर के बहुत ही मशहूर साइंस डॉक्टर्स वकील्स पॉलिटिशियंस आए
भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जो सदस्य हैं, सदर जनाब यासीन साहब, वाइस प्रेसिडेंट अजहर अली और सरपरस्त असलम भाई और जाकिर भाई और तमाम तमाम मेंबर जो हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ इस प्रोग्राम को सक्सेस किया। और हम एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे भिलाई और दुर्ग में, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर, के भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी एक समाज की सेवा में लगी हुई है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो, जो देश के लिए सेवा कर सके। और एक एक अहम कुर्बानी जो देश को चाहिए आज के डेट में, एकता अंतकता का, भाईचारा और मोहब्बत का। वैसे हम जनरेशन को इस भारत के इस भिलाई और दुर्ग और छत्तीसगढ़ के अंदर लाना चाहते हैं, उनको क्वालिफाइड करके, मोटिवेट कर करके। और इसके लिए हम मुस्लिम कम्युनिटी के पास जो एक CBSE स्कूल नहीं है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक के पास जो है स्कूल नहीं है, तो उसको हम, हमारा दो मिशन है कि हम भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से एक CBSE स्कूल की स्थापना की जाए और फाउंडेशन रखी जाए, और एक हेल्थ सेंटर की फाउंडेशन रखी, जहाँ पर सभी वर्ग के लोग, हर धर्म जाति के बच्चे कम फीस में वहाँ पढ़ाई कर सकें। क्योंकि हम ये देखते हैं कि गरीब के बच्चे CBSE स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी स्कूलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि गरीब के बच्चे वहाँ फीस नहीं दे सकते हैं। तो हमारा जो मकसद है, उद्देश्य ये है, और हम सब छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी को अपना योगदान दें, हर तरह से योगदान दें कि हम एक CBSE स्कूल बनाएं, जहां पर गरीब और हर वर्ग के बच्चे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो इंडिया का है, CBSE सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ न्यू दिल्ली है। कौम के बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट, मोमेंटो देकर सैकड़ों बच्चों को सम्मानित किया गया। वहीं टॉप रहे कुछ बच्चों को नगद पुरस्कार भी दिया गया और बच्चों को मोटिवेट किया गया, जिसमें समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। आए हुए सभी मेहमानों का मोमेंटो देकर भव्य स्वागत कमेटी के द्वारा किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।